अगेन अगेन टॉपिक फ्रॉम इंडिया यूएस रिलेशन ठीक ना भारत क्या किया है एक क्लब का मेंबर बना है। इंडिया में ट्वेल्थ मेंबर ऑफ क्लब ऑन क्रिटिकल मिनरल, मिनरल ओके? सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर भारत बना है एमएसपी का ये जो आर्टिकल है उसमें तीन जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल करके आए वो ये थे एक तो पहला था मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एम दूसरा था एस एम आर डैट इज़ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है इसके ऊपर भी भारत और यू एस काम करने वाले हैं यू एस एल्प करेगा भारत को एस एम आर बनाने के लिए और दूसरा ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं जिसके ऊपर ये दोनों देश क्या कर रहे हैं एम एस पी का हिस्सा बन रहे हैं तो इंडिया बिकेम द न्यू मेम्बर ऑफ़ एम एस पी इंडिया बिकेम द ट्वेल्व मेम्बर ऑफ एम एस पी ओके इसमें पहले से बाकी सारे कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए हो गया यूरोपियन यूनियन हो गया कनाडा हो गया स्वीडन हो गया ये सारे कंट्रीज़ पार्ट हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन एज वेल एज़ सप्लाई चेन को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी रखते हैं क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम का रिजर्व हो गया फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल होते हैं जो कि ज़्यादातर यू ज़्यादातर चाइना में ही मिलते हैं और उनके ऊपर ये सारे कंट्री को डिपेंडेंट रहना पड़ता है ऐसे केसेस में जो क्रिटिकल मिनरल का ये जो एम ग्रुप है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है सुनिश्चित करने में द फ्लो ऑफ दीज मिनरल थ्रू दीज कंट्रीज़ ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एम के अंदर होगा तो इस आर्टिकल से व्हाट टू डराइव फ्रॉम दिस टॉपिक यू हैव टू स्टडी रिगार्डिंग दिस थ्री पॉइंट एम एस पी एस एम आर एंड क्रिटिकल मिनरल्स दैट्स इट ओके चलो देखते हैं कि पहले क्या है पहले आता है क्रिटिकल मिनरल क्या होता है हमारा डिपेंडेंस जो है ना वो क्रिटिकल मिनरल के ऊपर है ये क्रिटिकल मिनरल तुम्हारे बेसिक बेसिक चीज़ से लेके फॉर एग्जाम्पल कि तुम जो अपने हाथ में मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है तो लिथियम जो हो गया वो क्या हो गया तुम्हारा एक क्रिटिकल मिनरल हो गया ये मिनरल ऐसे करीब 35 मिनरल हैं ठीक है और भी कुछ मिनरल का उसमें इंक्लूजन हुआ है जैसे कि सिल्कन का भी हुआ है ओके सिल्कन का भी इंट्रोडक्शन हो रहा है ये सारे मिनरल का यूज़ टेली एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो तुम जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान यूज़ कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल हो गया पी हो गया ये सारे चीज़ में क्या यूज़ हो रहा है तुम्हारा बैटरीज़ का यूज़ हो रहा है इवन इंडियम नाम का एक रेयर अर्थ मिनरल है जिससे कि एल बनता है क्या बनता है देखो इंडियम इज़ यूज टू मेक एल स्क्रीन और ये जो इंडियम है वो ज़्यादातर कहाँ मिलता है तुम्हारा चाइना में मिलता है तो ये सारे जो रेयर अर्थ मिनरल हैं रेयर अर्थ मिनरल ऐसा नहीं है कि उनका एबंडेंस कम है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो छिटे हुए हैं ठीक है ठीके? ऐसा नहीं है कि एक जगह पूरा भंडार मिल जा रहा है वो पूरे अर्थ में क्या है बहुत ही माइन्यूट में है जैसे कि देखो किसी भी चीज़ का अगर एक्सप्लोरेशन करना होता है ना तो हम ओर निकालते हैं ठीक है और एक तरह का पत्थर है जिसमें कि वो मिनरल का कंसंट्रेशन होता है फॉर एग्जांपल एक ओर निकाल रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि 60 परसेंट क्या है ना तुम्हारा तो एलमोनियम सॉरी साठ परसेंट मान लो आयरन है ठीक है साठ परसेंट आयरन है बॉक्साइट का और निकालेंगे हाँ एलमोनियम इसलिए ध्यान में आया क्योंकि अगर मान लो और निकाल रहे हैं जो कि बॉक्साइट है बॉक्साइट और अब बॉक्साइट और से एलमोनियम हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं पत्थर है वो उसमें से एलमोनियम निकालेंगे हम लोग समझ में आ रहा है तो पॉइंट क्या है कि जो रेयर अर्थ मिनरल का ओर होता है ना वो लार्जर अमाउंट में कंसनट्रेट नहीं करता है वो पूरे अर्थ में इस तरह से छिटा हुआ है कि उसका एक जगह लार्ज अमाउंट में हम लोग एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते हैं और ऐसा जो सबसे ज़्यादा कहीं मिलता है तो वो चीन में मिलता है तो हमारा डिपेंडेंस ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के चीन के ऊपर ज़्यादा हो जाता है और ये इतने क्रिटिकल मिनरल हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है ठीक है हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये सारे मिनरल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी के पर्स्पेक्टिव में यूरेनियम ठीक ना यूरेनियम एक क्या है रेयर अर्थ मिनरल है अब यूरेनियम का प्रॉब्लम ये है कि भारत में यूरेनियम उतना ज़्यादा अमाउंट में मिलता नहीं है मिलता है झारखंड में ही मिलता है जादूगोड़ा नाम का जगह है तुम्हारा टाटा के पास वहाँ पर मिलता है ठीक है और भी एक दो जगह है जहाँ पर मिलता है पर झारखंड में सब्सटेंटिव अमाउंट ऑफ यूरेनियम मिलता है यूरेनियम का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकते हैं समझ में आ रहा है ठीक ना तो हमारा एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे मिनरल ये सारे मिनरल हमारा डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये सारा मिनरल का सप्लाई चेन को सुनिश्चित करके रखना कि मुझे चाहिए सप्लाई कोई देने वाला होगा तब तो ना इसका चेन में ब्रेकअप ना हो क्योंकि इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा हमारे देश की सुरक्षा निर्धारित है इसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम एमएसपी है ये ग्रुप बहुत पुराना नहीं है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है ये 2022 का ग्रुप है 27 अक्टूबर 2022 का जिसमें कि यू कैन सी आउट हियर ऑस्ट्रेलिया है कनाडा है फिनलैंड है फ्रांस जर्मनी जापान कोरिया यूरोपियन यूनियन यूएसए यूके स्वीडन ये सारे कंट्री ये सारे लाइक like माइंडेड कंट्री हैं जो एक साथ मिल करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मिनरल्स को क्या करने वाले हैं मिनरल का सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने वाले हैं समझ में आ रहा है ठीक है ओके okay. लेकिन इसमें एक और पॉइंट है मेंबर प्रोफेस अ कमिटमेंट टू हाई इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड मतलब कि एनवायरमेंट को भी ध्यान रखते हुए एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लाइटेशन किया जाएगा लेकिन ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं होता है पहले देश की सुरक्षा है इन देशों की सुरक्षा है उसके बाद ही सारे पॉइंट आते हैं ना तीसरा जो वर्ड था कि यूएसए क्या करने वाला है एस को भी डेवलप करने वाला है या फिर एम कर ली ठीक है क्या लिखा हुआ है क्या टॉपिक है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा एस होगा एस लिखा हुआ है ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है ये समझो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर सब्सटेंस क्या होते हैं ठीक है कुछ ऐसे मिनरल्स हैं कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हैवी एलिमेंट हैं ओके इनका स्प्लिटिंग ऑफ एटम अगर तुम करोगे तो इसमें से हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम। यूरेनियम को अगर तुम क्या करोगे फिज़न कराओगे फिज़न और फ्यूज़न दो प्रोसेस होता है फिज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट को तुम क्या कर रहे हो स्प्लिट कर रहे हो स्प्लिट मतलब कि तोड़ना जब तुम स्प्लिट कर रहे हो और हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं फिजन कहते हैं वेर इज फ्यूज़न एक दूसरा तरीका है जिसमें कि आप क्या करते हैं कंबाइन करते हैं ना करके है, ना कि आप स्प्लिट करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को आप मिला दे रहे हैं ना अगर तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है चाहे हीलियम और हीलियम को आप मिला दे रहे हैं इस तरह का एनर्जी का प्रोडक्शन आपको कहाँ मिलता है सूरज में मिलता है सूरज में फ्यूजन होता है ना कि फिजन होता है वेयर एज आप फिज़न को क्या कर सकते हैं इस रिएक्टर में करा सकते हैं दिस इज़ अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसमें कि ये कोर रहता है ये कोर क्या होता है जहाँ पर हीट जनरेट होता है जहाँ पर न्यूक्लियर फिज़न होता है इसी में यूरेनियम एलिमेंट्स को तोड़े जाते हैं छेन रिएक्शन कराया जाता है एक न्यूक्लियर एलिमेंट टूटता है दो में दो टूटता है ऐसे करके मल्टीपल में टूटते जाता है और जितना टूटेगा ना उतना एनर्जी का डेवलपमेंट होगा तुम लोगों को बस एक चीज समझना है चाहे तुम कोयला ले लो चाहे तुम न्यूक्लियर एनर्जी ले लो कुछ भी ले लो उसमें से जो हीट निकल रहा है ना उस हीट का यूज करोगे तुम वाटर को क्या करने स्टीम बनाने के लिए समझ में आ रहा है और इस स्टीम को तुम क्या करोगे स्ट्रीम लाइन कर करके टर्बाइन को घुमाओगे क्या करोगे योर मेन मोटिव शुड बी टू सर्कुलेट द टर्बाइन जैसे ही टर्बाइन घूमेगा उसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी को तुमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और यही पूरा प्रोसेस होता है सबसे पहले तुमको एनर्जी डराइव करना है इस कोर से जिसमें कि न्यूक्लियर फिजन होगा एक एलिमेंट टूटेगा स्प्लिट करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा फिर ये कंट्रोल रॉड रखे जाते हैं ये कंट्रोल रॉड का काम होता है कंट्रोल करना रिएक्शन को रिएक्शन कभी कभी हाथ से बाहर निकल सकता है और इतना बड़ा विस्फोट होगा कि पूरा वो रीजन ही खत्म हो जाएगा रांची में अगर बना हुआ है तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर ओके और यहाँ पर तुम क्या हो रहा है कि ये कंट्रोल रोड नहीं कर पा रहा है उसको मेंटेन ओके उस रिएक्शन को तो हो सकता है कि पूरा रेडिएशन फैल जाएगा रांची में और बहुत लोग मारे जाएंगे ओके ऐसा चरनोबिल का जो रीज़न है जो यूक्रेन में है वहाँ पर हुआ था तो यूक्रेन वाला रीज़न जो है वो पहले इस तरह के धमाकों को क्या किया है रेडिएशन पूरा फैल गया था तो ये जो कंट्रोल रोड है उसका काम क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या करें मेंटेन करके रखे और जब वो हाथ से ज़्यादा भाग जाए तो उसको सट डाउन भी करने का काम कंट्रोल रॉड्स का होता है फिर उसके बाद फिर ये जो तुम देख रहे हो ना ये स्टीम जनरेटर है मैंने कहा तुम लोगों को कि एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रहा है हीट प्रोड्यूस हो रहा है उससे तुम्हें स्टीम जनरेट करना है क्योंकि स्टीम का ही काम होगा टर्बाइन को घुमाना टर्बाइन घूमेगा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और उसी से जब जब टर्बाइन घूमेगा तब तब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा इसी स्टीम का यूज़ करके तुम क्या करोगे देखो कन्वर्ट वाटर इन द सेकेंड्री लूप इन टू स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइन इसी से टर्बाइन घूमेगा दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ हमें हम लोगों ने हीट प्रोड्यूस कर दिया टर्बाइन घुमा दिया बात खत्म इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गया इसी का बनाने का काम किसको दिया जा रहा है मतलब भारत और यूएसए मिल करके एस बनाएगा भारत को हेल्प करेगा एस बिल्ड करने में उसके पास है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसके पास प्रेसराइजर का सिंपली काम क्या है थ्रू आउट द प्रोसेस द प्रेसराइजर द रिएक्टर कूलेंट वाटर अंडर हाई प्रेशर उस वाटर को हाई प्रेशर में रखता है ताकि वो बॉइल ना करे और वो स्टीम के ही फॉर्म में रहे समझ में आ रहा है दैट इज द पॉइंट एंड दिस इज एस एम आर जिसके ऊपर भारत काम करना चाहता है डायरेक्ट एस एम आर के ऊपर क्या कर सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोगों ने देखा है किस तरह के सवाल आए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड फ्यूजन फ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं तो क्या करना है इन तीनों के ऊपर नोट्स बना लेना है